हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक और ट्रिप के साथ मैं आ गई हूँ। आज हम जा रहे हैं काशीपुर और इसी ट्रिप पे हम आपको आज ले जाने वाले हैं। काशीपुर से भी हम कहीं जाने वाले हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो देखते रहिए। अभी हम हैं काशीपुर और ये है हमारे घर का टेरेस। काशीपुर में भी थोड़ी गर्मी है बट इस टाइम पे मौसम थोड़ा सही हुआ हुआ था। अभी हो गया है नेक्स्ट डे और हम निकल चुके हैं काशीपुर से रामनगर की तरफ। काशीपुर से रामनगर इट टेक्स ओनली वन एंड हाफ आवर्स टू रीच रामनगर। जो हमारा रिज़ॉर्ट है वो भी रामनगर में ही है, तो हम उसी के लिए निकल चुके हैं। हेलो एवरीवन, हम पहुंच चुके हैं रामनगर में। एक वाइल्ड क्रेस्ट रिज़ॉर्ट है और उस रिज़ॉर्ट में हमने चेक इन किया है, जिसका रूम मैं आपको भी जिसका नॉट रूम बट रिज़ॉर्ट टूर मैं दिखाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड और मैं ले चलती हूँ हमारे साथ आपको रामनगर एंड जिम कॉर्बेट की ट्रिप पे। अभी हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। ये रिज़ॉर्ट का बाहर का व्यू है। इस रिज़ॉर्ट में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, ओवरऑल प्रॉपर्टी अच्छी है बट रूम्स थोड़े बेटर हो सकते थे। रिज़ॉर्ट में चेक इन करने के बाद अभी हमारा ट्रिप स्टार्ट होता है। जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है वो है जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम एक नेचुरलिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट पर बनाया गया है, जिसका नाम जिम कॉर्बेट था।
फुल नेम था सर एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, जिनको हम पॉपुलरली बोला जाता था जिम कॉर्बेट, और उन्हीं के नाम पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। कॉर्बेट म्यूज़ियम एक्चुअल में उनका घर था ड्यूरिंग ब्रिटिश रीन इन इंडिया, जो कि लेटर ऑन उन्हीं के म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया, जहाँ पे उनके बिलोंगिंग्स और उनके लिखे हुए लेटर्स, उनके अटायर्स जो कि वो हंटिंग के टाइम यूज़ करते थे, उसको डिस्प्ले पे रखा गया है। इस म्यूज़ियम का जो टिकट था वो था 100 रुपीज़ पर पर्सन, जो कि क्वाइट एक्सपेंसिव, बट यू कैन विजिट दिस प्लेस। हेलो एवरीवन, हम जस्ट अभी रिजॉर्ट वापस आए हैं। हम गए थे कॉर्बेट म्यूज़ियम घूमने, उसके बाद हमने लंच यहाँ किया है, दैट इज़ कुंदन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, जो कि जस्ट यहाँ से 2 या 1.5 किलोमीटर अवे है हमारे रिजॉर्ट से, जो कि द वाइल्ड क्रेस्ट है। रिजॉर्ट इज़ गुड बट इट कैन बी बेटर। आगे का हमारा प्लान ये है कि अभी हम थोड़ा रेस्ट करने वाले हैं, उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या करते हैं, मे बी हम स्विमिंग के लिए जाएं। इट्स नॉट डिसाइडेड येट बट लेट्स सी। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे और अभी हम जा रहे हैं जिम सफारी पर। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फाइनली दिस इज़ माय फर्स्ट सफारी ऑफ माय लाइफ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। सो स्टे ट्यून्ड और चलिए मेरे साथ सफारी पर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो मेन जोन है, विच इज़ डेहला जोन, उसका बुकिंग हमें नहीं मिला था, बट हमको सफारी करना था तो इसलिए वी बुकड गर्जिया जोन जीप सफारी, जहाँ पे साइटिंग थोड़ी रेयर होती है, मेनली लेपर्स दिखते हैं, बट हमारे केस में हमें कुछ भी नहीं दिखा। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड।
जीप सफारी के जो टोटल चार्जेस हैं आपको बुकिंग कराने पे जो देने पड़ते हैं वो है 7500 फॉर जीप सफारी प्लस 900 फॉर गाइड, जो कि मैंडेटरी है, वहाँ पे आपको लेके जाना ही पड़ता है। बिकॉज़ हम मॉनसून सीज़न में गए थे तो वहाँ पे काफ़ी एरियाज़ जो थे जंगल के वो बंद कर रखे थे बिकॉज ऑफ मॉनसून। वहाँ पे थोड़ा कीचड़ था इसलिए वहाँ पे जीप नहीं जा सकती थी, तो पूरा जंगल और पूरी जीप सफारी नहीं हुई हमारी, बट जो भी हुआ वी इन्जॉयड इट। सो फाइनली हमारा ये ट्रिप यहाँ पे एंड होने जा रहा है। हम सुबह सफारी पे गए थे बट अनफॉर्चुनेटली हमें कोई टाइगर नहीं दिखा, कोई लेपर्ड नहीं दिखा, हमको दिखे तो सिर्फ डियर्स दिखे, बार्किंग डियर्स, स्पॉटेड डियर्स, सो ये सब हमें दिखा। बट ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, यू मस्ट ट्राई इट। अभी हमने ब्रेकफास्ट किया है एंड नाउ वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम द रिजॉर्ट द वाइल्ड क्रेस्ट। चलते हैं अब वापस बैक टू काशीपुर।